अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ यम्मे वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। यौम यादगार शहीदान पुलिस के मौके पर गवर्नर ESL नरसिम्हन ने आज नेकलेस रोड पर 10K रन का आगाज किया। इस मौके पर महकमे पुलिस के दिगर अहदेदार भी मौजूद थे। पेश है इस मामले पर 7H की ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद में वाक़ नेकलेस रोड पर आज गवर्नर ESL नरसिम्हन ने 10, 5 और 2 के रन का आगाज़ किया। यौम यादगार शहीदान पुलिस के मौके पर शुरू की गई इस रन में सैकड़ों अफराद शरीक हुए और दौड़ लगाई। कहा जाता है कि दौड़ लगाना सेहतमंदी की अलामत है। अक्सर व बेशतर ऐसी दौड़ हैदराबाद में मुनक्किद की जाती है और इसमें शिरकत करने के लिए सेलिब्रिटीज़ को बुलवाया जाता है, लेकिन आज की यह दौड़ तमाम दीगर दौड़ों से मुख्तलिफ रही, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पुलिस अहदेदारों को देखा गया। DGP अनुराग शर्मा ने इस रन में हिस्सा लिया। इस मौके पर गवर्नर ने पुलिस अहदेदारों को, जो कि अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शहीद हुए, उन्हें खिराज पेश किया है। टुडे मार्क्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे, इट्स अ रन फॉर मार्टियर्स। व्हेन वी से रन फॉर मार्टियर्स, व्हाट वी वांट ऑल ऑफ यू टू डू इज व्हेन यू गो होम, टेल देम ऑफ दिस ब्रेव पुलिसमैन हु गेव अप देयर टुडे फॉर आवर टुमारो। That is what it really means. The idea is also to build up the fraternity between the public and the police. And in Hyderabad particularly, and in the state of Telangana, I don't think there's any gap between the police and the public. And what I would request the youth here, present here, and some of the elders who are present here, self-policing is the best form of policing. There's only up to a point that an external force can police your daily life. You will have to police your own lives. And these days we have seen some unfortunate happenings. I would request the youth particularly, please stay away from all such ill activities.